इस वीडियो के अंदर हम कोलोरोस्टलॉ की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। टोटल कोलोरोस्टलॉ की तीन एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है कोलोरोस्टलॉ की कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट कर सकते हैं कोलोरोस्टलॉ की हेल्प से। दूसरी एप्लीकेशन है आपकी कोलोरोस्टलॉ की कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरी एप्लीकेशन है कोलोरोस्टलॉ की कि हम स्पेरिली सोल्यूबल सॉल्ट की सॉलिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट वाला एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट कर सकते हैं कोलोरोस्टलॉ की हेल्प से। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपका पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम आपका ग्राफ की हेल्प से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में तो आपका मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट सी का यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का ग्राफ तो आपका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम आपकी मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के प्लॉट से आपका क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आपका मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का प्लॉट एक आपका स्ट्रेट लाइन होता है। और जब हम इसको आपका बैकवर्ड्स एक्सटेंड करते हैं यानी कि इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और जिस पॉइंट पर ये आपकी स्ट्रेट लाइन कट करती है वाई एक्सिस को, उस पॉइंट पर जो भी आपका इंटरसेप्ट होता है आपका, उसको हम आपका क्या कहते हैं, आपका बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। वो वैल्यू आपकी होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की। लेकिन अगर मैं यही सेम ग्राफ आपका मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का प्लॉट में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए करूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये प्लॉट इस तरीके का होता है। और इस प्लॉट में अगर मैं इस लाइन को आपका एक्सटेंड कर दूं आपका बैकवर्ड्स तो ये लाइन मेरी वाई एक्सिस के पैरेलल जाती है। और हमें कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलता है आपका, अगर हम दूर तक भी इसको एक्सटेंड करेंगे आपका तो हमें, क्योंकि ये लाइन आपकी पैरेलल जाएगी आपकी वाई एक्सिस के, तो हमें कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा कि ये ग्राफ मेरा वाई एक्सिस को कट कर रहा हो और आपको एक इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रहा हो। तो क्योंकि यहां पर हम वो इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपकी लैम्डा एम नॉट यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें नहीं मिल पाती है। तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम आपका फाइंड आउट करते हैं कोलोरोस्टलॉ की हेल्प से। तो कोलोरोस्टलॉ की हेल्प से हम आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं आपका एसिटिक एसिड। एज यू नो एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि ये आपका वाटर में आपका 100% आयोनाइज नहीं होता है, तो ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे आपका फाइंड आउट कर सकते हैं कोलोरोस्टलॉ से, वो हम आपका अब आगे देखते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की कोलोरोस्टलॉ के अकॉर्डिंग क्या होगी आपकी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन्स प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयंस के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स आपके कौन कौन से होंगे, वो होंगे आपके सोडियम एसिटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो इन तीन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी ग्राफ की हेल्प से, क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम ग्राफ की हेल्प से इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो ग्राफ की हेल्प से जो हमारी वैल्यू आई है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो आपकी आई है सोडियम एसिटेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपकी ग्राफ की हेल्प से आई है आपकी 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आपकी जो वैल्यू आई है ग्राफ की हेल्प से वो आई है 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड की वैल्यू आपकी ग्राफ की हेल्प से आई है 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है,
तो हमने तीनों स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की आपकी ग्राफ की हेल्प से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी फाइंड आउट कर ली है। अब मैं आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड आउट करने के लिए मैं आपकी इन तीनों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की हेल्प लूंगी, यानी कि इन तीनों स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प लूंगी। तो कैसे लिखूं हेल्प लूंगी, मैं एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की टर्म्स में क्या करूंगी, एक्सप्रेस करूंगी, ठीक है। और हमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू पता है, फिर उनकी वैल्यूज पुट करेंगे और फाइनली हम आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी एसिटिक एसिड की निकाल पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड को मैं आपका आपका किस तरीके से लिख सकती हूँ, मैं आपका लिख सकती हूँ एज अ सम ऑफ, मैं आपका किस तरीके से आपका लिख सकती हूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड को, मैं आपका लिख सकती हूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मैंने आपका एसिटिक एसिड की जो कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को इन तीन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। कैसे आया ये एक्सप्रेशन, आइए ये देखते हैं। अब आपका अगर आप इस एक्सप्रेशन को खोलें तो आपका क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट किसके इक्वल होगी आपकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, इसको मैं अभी पहले हटा देती हूं, यह आपका किसके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट किसके इक्वल होगी आपकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयंस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयंस के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू कॉलरॉस लॉ। सिमिलरली प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके इक्वल होगी आपकी, कॉलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वल होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ प्रोटॉन्स प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयंस की इक्वल होगी आपकी। सिमिलरली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड किसके इक्वल होगी आपकी, इसको हमने माइनस के साथ लिखना है, माइनस के साथ हम लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड किसके इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू कॉलरॉस लॉ, वो इक्वल होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयंस के प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयंस के इक्वल होगी। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो यहां पर मैं सोडियम आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को सोडियम आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से कैंसिल आउट कर सकती हूँ क्योंकि ये प्लस का आ रहा है और ये माइनस का आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर क्लोराइड आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मैं, ये माइनस का हो जाएगा क्लोराइड, माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस सोडियम आयंस के साथ भी जाएगा और क्लोराइड आयंस की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी के साथ भी जाएगा। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका क्लोराइड आयन माइनस का लैम्डा नॉट सीएल माइनस हो जाएगा, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन कैंसल आउट हो जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि हमारी सिर्फ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटेट आयन्स की और प्रोटॉन्स की ही बच जाएगी आपकी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन्स और प्रोटॉन्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर है, एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड को मैं इन तीनों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की टर्म्स में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ क्योंकि जब मैं इनके एक्सप्रेशन को कॉलरॉस लॉ के अकॉर्डिंगली आपका खोलती हूँ तो उन एक्सप्रेशन को खोलने के बाद फाइनली मेरे पास सिर्फ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एसिटेट आयन्स की और प्रोटॉन्स आयन्स की रह जाती है और बाकी सब आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं और वो दोनों आपके और इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी इन दोनों आयन्स की आपकी किसके इक्वल है, आपके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड के इक्वल है। तो यहां से मैंने आपका इस बात का प्रूफ कर दिया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि जब इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसके एक्सप्रेशन को जब हम खोलेंगे तो एक्चुअल में आपका क्या आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की ही आएगी। और इसको आप कैसे, आप ओरली आप कैसे अपने माइंड में कैसे ये इक्वेशन बना सकते हो ये हम देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस एक्सप्रेशन को ओरली कर सकते हैं। तो ओरली हम इस एक्सप्रेशन को कैसे बना सकते हैं अब हम वो देखेंगे आपका, ठीक है। तो क्लास हमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा है, हमें निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की जो कि किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू कॉलरॉस लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल है
प्रोटॉन्स की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी और एसीटेट आयन्स की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी के इक्वल है। तो मैंने आपका यहां पर इस तरीके से लिख दिया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपकी एसिटिक एसिड की प्रोटॉन्स की और एसीटेट आयन्स की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी के सम के बराबर है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि मुझे ये प्रोटॉन्स कौन से वाले इलेक्ट्रोलाइट से मिलेंगे और एसीटेट आयन्स मुझे कौन से वाले इलेक्ट्रोलाइट से मिलेंगे। तो प्रोटॉन्स मुझे मिलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और एसीटेट आयन्स मुझे मिलेंगे सोडियम एसीटेट वाले इलेक्ट्रोलाइट से। तो क्योंकि मुझे इन दोनों का सम करना है तो मुझे इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब मैं इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करूंगी तो उसमें मुझे लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एसीटेट आयन्स की और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी प्रोटॉन्स की तो मिल ही जाएगी, लेकिन साथ में लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी इस सोडियम आयन की और लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी इस क्लोराइड आयन की भी मिलेगी साथ में, जो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को तो सिर्फ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी प्रोटॉन्स और एसीटेट आयन्स की चाहिए। तो ये जो सोडियम आयन्स की और क्लोराइड आयन्स की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एक्स्ट्रा आ रही है जब हम आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट के अंदर आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं, तो इस एक्स्ट्रा लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी को सोडियम आयन्स की और क्लोराइड आयन्स की इस एक्स्ट्रा लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी को हम कैसे आपका नलीफाई कर सकते हैं, तो हम आपका कर सकते हैं हम माइनस में आपका कर दें, जो चीज हमारी एक्स्ट्रा आ रही है वो वाली इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या कर दें, माइनस कर दें। तो क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, तो मैं आपका माइनस कर दूंगी आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ऐसा करने से क्या होगा, इस सोडियम एसीटेट के एक्सप्रेशन में जो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी सोडियम आयन्स की है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन्स के, जो कि आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड के एक्सप्रेशन में है। और इसके लिमिटिंग यहां पर जो आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन इस एक्सप्रेशन में आपका एक्स्ट्रा आ रहा था, आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन के, जो कि आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड से आपका आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो यानी कि नट शेल मैंने क्या किया, मुझे ओरली जो मैंने आपका किया, अब फटाफट उसको बता देती हूँ। ओरली मुझे प्रोटॉन्स और एसीटेट आयन्स की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी चाहिए, तो मैं वो इलेक्ट्रोलाइट आपका आइडेंटिफाई करूंगी जिसमें प्रोटॉन्स और एसीटेट आयन्स है। तो प्रोटॉन्स मेरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले इलेक्ट्रोलाइट में है और एसीटेट आयन्स मेरे सोडियम एसीटेट वाले इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है। तो दोनों को मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी, क्योंकि मुझे प्रोटॉन्स की भी आयनिक कंडक्टिविटी चाहिए और एसीटेट आयन्स की भी आपकी आयनिक कंडक्टिविटी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी चाहिए, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरा एसीटेट आयन्स और प्रोटॉन्स की तो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी आ जाएगी, लेकिन साथ में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की भी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी आएगी। तो जो आपका बच जाएगा पार्ट, जो आपका पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है अदर देन जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है उससे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है प्रोटॉन्स और एसीटेट आयन्स, तो प्रोटॉन्स मेरे यहां से आ जाएंगे, एसीटेट आयन्स मेरे यहां से आ जाएंगे, तो इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी इसके प्रोटॉन्स और इसके एसीटेट आयन्स एडअप होंगे आपके। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से जो एक्स्ट्रा आएंगे वो मेरे आपके क्या आएंगे, सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स भी आ जाएंगे आपका। ठीक है, तो इन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन्स जो कि आपके एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको हमें नलीफाई करने के लिए मैं माइनस कर दूंगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो जो चीज एक्स्ट्रा आ रही है वो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस इलेक्ट्रोलाइट की आपको क्या करनी है, माइनस करनी है। ठीक है, तो हमने आपका इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके से हम आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की टर्म्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पे आपका इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का एनायन आइडेंटिफाई किया जो कि एसीटेट आयन था, और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन आइडेंटिफाई किया जो कि प्रोटॉन था। अब ये एसीटेट आयन और प्रोटॉन्स कैसे हमें मिलेंगे, वो हमें इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट से मिलेंगे, सोडियम एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलेंगे, तो हमें इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो साथ में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एक्स्ट्रा आएगी, तो जिसकी लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एक्स्ट्रा आ रही है वो उस इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप माइनस कर दो,
तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की लिमिटिंग आयन की कंडक्टिविटी एक्स्ट्रा आ रही है, तो हम आपका सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, तो हमने माइनस कर दिया आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लियर? तो अब हम आपका वैल्यूज पुट कर देते हैं, आपका वैल्यूज पुट करते हैं हम आपका यहाँ पर। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट की वैल्यू है आपकी 91 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वैल्यू है 425.9 माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड की वैल्यू है आपकी 126.4। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड आउट कर ली। कैसे हमने फाइंड आउट कर ली, हमने उसे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटीज के एक्सप्रेशन में आपका एक्सप्रेस कर दिया आपका। ठीक है, यानी कि हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, और उन स्ट्रांग की वैल्यूज तो मुझे पता ही थी, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यू मुझे पता थी, उसको मैंने पुट किया और फाइनल एक्सप्रेशन आपका इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपका यानी कि एसिटिक एसिड का मैंने निकाल लिया। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। सो विद दिस मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी कॉलरॉस्ट लॉ की वो ओवर होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी की एप्लीकेशंस लेंगे आपकी कॉलरॉस्ट लॉ की।